हेलो दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालना सीखेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग इस फॉर्मूले तक पहुंच गए थे कि कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड से कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला है कोरिलेशन कोफिशिएंट मतलब आर की वैल्यू निकालने का। अब हम लोग इस वीडियो में एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालेंगे। लिखा हुआ है कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। एक्स और वाई सीरीज है, उसमें हमें आर की वैल्यू बतानी है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू बतानी है। मैं इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा और दोनों मेथड्स के लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस को एग्जाम में किस तरह से सॉल्व करना है, दोनों मेथड्स में से मतलब किस मेथड से सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस फॉर्मूले की हेल्प से जो कि डायरेक्ट मेथड कहलाता है। तो उससे कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को एनालाइज करें। एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और डिवाइड में एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट है, एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई के होल स्क्वायर का होल अंडर रूट है। आप थोड़ा सा नोटिस करें यहाँ क्या क्या चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। एक तो हमें एन की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो एन हम पता करेंगे। एक हमें सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू पता होनी चाहिए, सिग्मा एक्स वाई यहाँ रखने की जरूरत पड़ेगी। सिग्मा एक्स हमें रखना पड़ेगा, सिग्मा वाई हमें रखना पड़ेगा। मैं यहाँ लिखते जाता हूं, सिग्मा एक्स रखना है, सिग्मा वाई रखना है, एन तो हो गया, सिग्मा एक्स स्क्वायर हमें रखना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर हमें रखना है। सिग्मा एक्स तो ये रहा, उसी का होल स्क्वायर है, वो तो मिल जाएगा, एन मिल जाएगा यहाँ पर। सिग्मा वाई स्क्वायर हमारे लिए नई टर्म हुई अभी तक, तो ये सिग्मा वाई स्क्वायर हमें निकालना है। सिग्मा वाई का होल स्क्वायर वो तो इसके होल स्क्वायर से मिल जाएगा। तो ये छह चीजें हैं जो इस फॉर्मूले में रखनी होंगी और आंसर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो बात करें एन की। एन क्या है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब ये पेयर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एन यहां पर हो गया 9। रही बात इनकी, देखिए ये क्या है, सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स का मतलब है एक्स का सम, सिग्मा का मतलब सम करना होता है। सिग्मा वाई, सिग्मा वाई का मतलब है इस वाई का लास्ट में टोटल कर लो, वो सिग्मा वाई हो जाएगा। बात करें सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब है पहले आपको एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसका टोटल कर लो। तो पहले हम लोग यहां पर एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाएंगे एक नया, उसके बाद उसका लास्ट में हो जाएगा टोटल और वो हमारा आंसर हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर का। नेक्स्ट अगर बात करें तो सिग्मा वाई स्क्वायर में सबसे पहले आपको वाई स्क्वायर निकालना पड़ेगा, मतलब वाई स्क्वायर का नया कॉलम बनेगा, उसका टोटल करना है, सिग्मा मतलब उसका टोटल करना है। तो पहले आपको इस वाई वाले कॉलम का स्क्वायर करते हुए नया कॉलम बनाना है वाई स्क्वायर और लास्ट में इसका टोटल कर लेना है। ऐसे ही सेम एक चीज ये बची है सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई का मतलब है ये जो एक्स इंटू वाई है ना, उसका टोटल करना है। इस बार एक्स इंटू वाई कैसे आएगा, इन दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक नया कॉलम बनेगा एक्स इंटू वाई, जिसका लास्ट में टोटल कर लेना है हमारे को। तो ये सारी वैल्यूज की हमें जरूरत पड़ेगी। निकालने के मेथड आपको क्लियर हो गए होंगे कि फॉर्मूले से हमने ये चीजें निकाल ली। इसको कैसे निकालना है, हमें पांच चीजों का कॉलम बनाना है, एक्स और वाई का क्वेश्चन में दे रखा होगा, बाकी के तीन हमने बना लिए हैं। अब आप बस इसको कैलकुलेट कर लो, लास्ट में टोटल कर लो, फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। मैं कर रहा हूं स्टार्ट, देखिए आप लोग, 9 का स्क्वायर 81, 8 का 64, 7 का स्क्वायर होता है 49, 6 का होगा 36, 5 का होगा 25, 4 का हो जाएगा 16, 3 का होगा 9, 2 का होगा 4 और 1 का होगा 1। अब बात करें वाई स्क्वायर की, तो 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 14 का स्क्वायर 196, 13 का स्क्वायर 169, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100, 8 का 64, 9 का 81। ये हमने y स्क्वायर निकाल लिया, टोटल अभी लास्ट में कर लेंगे सबका, पहले x इंटू वाई।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 15 इंटू 9 135, 16 इंटू 8 128, 14 इंटू 7 98, 6 इंटू 13 78, 11 इंटू 5 ये हो जाएगा 55, 12 इंटू 4 48 हो जाएगा, 10 इंटू 3 30 होगा, 8 इंटू 2 16 एंड द लास्ट 9 इंटू 1 ये 9 आ जाएगा। ये हमने सारी वैल्यूज निकाल ली हैं, बस अब टोटल करना बाकी है। तो आप टोटल कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। देखिए इसका टोटल अगर आप टोटल करते हैं तो ये 45 आएगा। आप आराम से टोटल कर लीजिए इनका। सिग्मा वाई अगर आप इसका टोटल करते हैं तो ये 108 आएगा। सभी को टोटल कीजिए आप आराम से, मैंने टोटल कर लिया है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब इसका टोटल जब आप करोगे तो ये 285 आने वाला है। लास्ट सॉरी सेकंड लास्ट वाई स्क्वायर का जब आप टोटल करोगे तो 1356 आएगा और इसका आ जाएगा 597। ये आप टोटल कीजिए आराम से, ये आपके फाइनल आंसर बनेंगे। ये आंसर हो गए हमारे इसके। मैं एक बार यहां भी लिख देता हूं, सिग्मा एक्स वाई हमने निकाला 597, सिग्मा एक्स हमारा आया 45, सिग्मा वाई हमारे पास आया 108, सिग्मा एक्स स्क्वायर 285 आया और सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई 1356। ये सभी वैल्यूज अब मैं इस फॉर्मूले में रख रहा हूं। तो इस फॉर्मूले में जब आप वैल्यू रखोगे तो देखिए क्या बन रहा है। मैं नीचे रख रहा हूं यहां पर n, n मींस ये रहा 9, 9 इंटू सिग्मा एक्स वाई मींस 597 माइनस सिग्मा एक्स है 45 इंटू सिग्मा वाई है 108 डिवाइडेड बाय, इसमें वैल्यू रखो n मींस 9, सिग्मा एक्स स्क्वायर मींस 285 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स है 45 तो 45 का आप होल स्क्वायर कर दीजिए। अब सेम चीज y में, तो n सिग्मा y स्क्वायर, n है 9, सिग्मा वाई स्क्वायर गेरा लास्ट में 1356 माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर मतलब 108 का होल स्क्वायर। मैंने यहां पर फॉर्मूले में केवल वैल्यू रखी है। फॉर्मूला आपको दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने इसको याद करने की ट्रिक सीखी थी, तो वो अगर आप याद कर लेते हैं तो बस अब फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। इसके बाद हालांकि थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है लेकिन आप आराम से तसल्ली से इसको कैलकुलेट करें। मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया है तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं इसका, ऊपर क्या बन रहा है देखिए। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये बनेगा 5373 माइनस, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 4860 डिवाइडेड बाय, इसको 9 से मल्टीप्लाई करके 45 के स्क्वायर से जब आप माइनस कर दोगे तो ये 540 बन रहा है, उसका अंडर रूट आ रहा है। जब आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करके 108 के स्क्वायर से माइनस करोगे तो लकीली ये भी 540 ही आ रहा है। ये कोइंसिडेंस है कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि दोनों की वैल्यू सेम आएगी क्वेश्चंस में। ये इसमें कोइंसिडेंस है कि सेम आ रहा है बस। तो यहां पर जब आप ऊपर वाले टर्म को माइनस करते हो तो ये आएगा 513 डिवाइडेड बाय, दोनों से रूट हट जाएगा, 540 बन जाएगा। ये दो रूट अगर एक साथ आते हैं तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब जब आप इसको डिवाइड दोगे तो ये अप्रोक्सीमेट 0.95 आ रहा है प्लस में। इधर ऊपर का आंसर प्लस में आ रहा है तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है, 1 के आसपास आ रहा है, प्लस 1 के आसपास आ रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है इस सीरीज में। तो हमने देखा कि आंसर अगर आपको निकालना है तो आपको तीन कॉलम एक्स्ट्रा बनाने होते हैं, एक तो एक्स स्क्वायर का, एक वाई स्क्वायर का और एक एक्स वाई का। उसके बाद तो बस फॉर्मूले में वैल्यू जमानी है और कुछ खास काम एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो ये तो हमने सीखा है डायरेक्ट मेथड। इस मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड। अब एक शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड कब यूज लेना है अपने को? जब हमारे पास नंबर्स थोड़े बड़े आ जाएं, जैसे 9 नहीं होता ये 99 होता, 8 नहीं होता ये 78 होता, इस तरह के मतलब बड़ी वैल्यूज आ जाएं जिनका स्क्वायर करना थोड़ा सा लेंथी पड़ रहा हो हमारे को,
और x इंटू वाई को मल्टीप्लाई करना मतलब लेंथ ही पढ़ रहा हो। तो इस तरह के केसेस में हमें शॉर्टकट मेथड यूज लेना है। जैसे अज्यूम्ड मीन वाला मेथड सीखा था हमने मीन निकालते टाइम, अज्यूम्ड मीन वाले मेथड में हम लोग एक मीन अज्यूम कर लेते थे और x में से माइनस करते थे और नया कॉलम बना लेते थे और उस कॉलम में वैल्यूज बहुत छोटी हो जाती थी। तो उसी तरीके से यहां भी नए कॉलम्स बनाने हैं, एक्स और वाई के दोनों के नए कॉलम्स बनेंगे जो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से छोटे होंगे, जिससे फिर आगे आंसर निकालेंगे। तो मैं यहां मिटा रहा हूं और सेम क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट मेथड से करके बता रहा हूं। मैं पहले उसका फॉर्मूला लिखूंगा फिर उसको अप्लाई करना आपको बताऊंगा। देखिए मैं लिख रहा हूं, देखिए अब हम बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की। तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला यहां पर लिख दिया है मैंने, थोड़ा सा आपको इसको गौर करना है। जो मेन फॉर्मूला था वो ये था हमारा, इस फॉर्मूले में x की जगह मैंने रिप्लेस किया है dx और y की जगह मैंने रिप्लेस किया है dy और कुछ चेंज नहीं किया, बस जहां जहां x था वहां dx लगा दिया, y की जगह dy लगा दिया, x की जगह dx y की जगह dy, x स्क्वायर तो dx स्क्वायर, सिग्मा x तो सिग्मा dx, ये y स्क्वायर तो dy स्क्वायर, y तो dy। कहने का मतलब x की जगह dx और y की जगह dy लगाया है, बाकी कोई चेंज नहीं है, n अपनी जगह पर सेम है। अब ये dx और dy क्या है? dx और dy है deviated x, dx का मतलब है deviated x और dy का मतलब है deviated y। deviated x का मतलब क्या है? deviated x का मतलब है कि आप dx की वैल्यू x माइनस a ले सकते हो, x में से कुछ assumed mean को माइनस कर दो, assumed mean बोल दो या कोई भी रैंडम नंबर बोल दो, x में से किसी रैंडम नंबर या assumed mean को माइनस करके हम dx निकाल सकते हैं। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहां पर इस x की जो वैल्यूज हैं उनमें जो डिफरेंस है वो एकदम सेम हो, जैसे इस पर्टिकुलर वैल्यू में डिफरेंस सेम है, हालांकि वो डिफरेंस 1 है तो उसको तो कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी x इस तरह का हो सकता है जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, तो 10, 10 का डिफरेंस होता। तो उस केस में अगर डिफरेंस सेम है तो dx की वैल्यू आप x माइनस a अपॉन h भी ले सकते हो। ये कब लेना है? इफ डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशंस आर सेम, जब ऑब्जर्वेशंस के बीच में डिफरेंस सेम हो तो फिर आपको ये लगाना है, जहां पर h जो है वो डिफरेंस ही है, ठीक है। तो ये केस है। अब बात करें dy की, तो dy सेम टू सेम y माइनस a कह सकते हो आप। अब a यहां पर दोनों में अलग हो सकता है, इसका a है तो इसका आप चाहो तो b ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है ये दोनों सेम नंबर से माइनस हो, अलग कर सकते हो आप। दूसरी बात, यहां पर ये y माइनस b डिवाइडेड बाई h, ये भी h से डिवाइड हो जाएगा, या तो ये लगाना है या फिर ये फॉर्मूला लगाना है, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लगाना है। ये तब लगाना है जब डिफरेंस सेम हो, ये तब लगाना है जब डिफरेंस सेम ना हो। तो dx इस तरह से निकालना है, dy इस तरह से निकालना है। ये भी जरूरी है कि डिफरेंस सेम हो, यहां पर h है तो यहां भी h ही हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये h1 मान लो, इसको h2 मान लो, केवल सिंबल है, कहने का मतलब ये है। तो इस फॉर्मेट में dx और dy निकलेंगे हमेशा अपने। तो ये दोनों वैल्यूज हमें समझ आ गई कि कैसे निकालनी है। तो मैं एक बार इसमें आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। तो पांच चीजों की जरूरत पड़ेगी हमें सेम टू सेम, वैसे ही, एक तो n की, एक सिग्मा dx की, एक सिग्मा dy की, एक सिग्मा dx स्क्वायर की, एक सिग्मा dy स्क्वायर की और एक सिग्मा dx इंटू dy की। ये पांच वैल्यूज की हमें जरूरत पड़ने वाली है, सॉरी छह वैल्यूज की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, बस यहां पर सब जगह d लग गया है। तो अब कैसे करें? तो सबसे पहले तो सिग्मा dx सिग्मा dy की तैयारी करें हम, dx निकालें। ये दोनों कॉलम्स अपने काम के नहीं है, आंसर के पर्पज से काम के नहीं है, हालांकि कंटिन्यू तो इसी से होगा क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहला काम आपको यहां पर dx निकालना पड़ेगा, फिर dy निकालना पड़ेगा, फिर dx स्क्वायर का कॉलम बनेगा अलग से, dy स्क्वायर का कॉलम बनेगा अलग से, dx इंटू dy का अलग से कॉलम बनेगा। तो काफी सारे कॉलम्स यहां पर बनेंगे, पांच कॉलम्स बनेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, dx कैसे निकालें। dx का मतलब है x में से कुछ माइनस करना है, ये हमारा x है, इसमें से कुछ माइनस करके dx बनाएंगे। अब क्या माइनस करें? पहली बात तो डिफरेंस चेक करना है, डिफरेंस सेम है लेकिन 1 का ही डिफरेंस है, तो 1 से तो डिवाइड देने से कोई फायदा है नहीं अपने को। तो एक तरीके से x माइनस a ही करना है,
ए हमेशा हम लेते हैं मिडिल मोस्ट वैल्यू, मिडिल मोस्ट वैल्यू यहां पर 5 है, तो dx हम करेंगे x माइनस 5, इसको dx मान लेते हैं। dy भी मैं एक बार कंसिडर कर लेता हूं, dy आप देखिए वैसे तो मिडिल मोस्ट वैल्यू लेते हैं, लेकिन क्या ये सीक्वेंस में अरेंज्ड नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो यही ले लीजिए, y माइनस 11 ले लेते हैं हम। तो dx और dy हमें मिल जाएगा आराम से, देखिए किस तरह से 9 माइनस 5 4, 8 माइनस 5 3, 7 माइनस 5 2, 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 5 0, 4 माइनस 5 माइनस 1, 3 माइनus 5 माइनस 2, 2 माइनस 5 माइनस 3 और 1 माइनस 5 माइनस 4। dy 15 माइनस 11, y में से 11 माइनस करना है, सब में से 11 माइनस कर दो, तो 15 माइनस 11 हो जाएगा 4, 16 माइनस 11 हो जाएगा 5, 14 माइनस 11 हो जाएगा 3, 13 माइनस 11 2, 11 माइनस 11 0, नेक्स्ट 12 माइनस 11 1, 10 माइनस 11 माइनस 1, 8 माइनस 11 माइनस 3 और 9 माइनस 11 माइनस 2, टोटल हम लोग लास्ट में करेंगे, पहले आप dx स्क्वायर निकालो। अब देखो इन वैल्यूज का स्क्वायर कर रहे थे कॉम्प्लिकेटेड था, यहां पर ये वैल्यूज काफी छोटी हो गई, इनका स्क्वायर करना आसान है। तो ये मेथड कब यूज लेते हैं, जब हमें कैलकुलेशन कम करनी होती है, बाकी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप पहले वाले मेथड से करो या इस मेथड से करो आंसर सेम आने वाला है, लेकिन इस मेथड में कैलकुलेशन कम हो जाती है, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम लोग इसी मेथड से करेंगे। और अगर आपको पहले वाले मेथड से ज्यादा कन्वीनियंट है तो आप उससे कर सकते हैं, बस कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखें। देखिए आगे बढ़ते हैं, dx स्क्वायर का मतलब है ये जो dx है इसका स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, 1 का 1, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 4 का 16। सेम ऐसे dy स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, देन 5 का 25, 3 का 9 हो जाएगा, 2 का 4, 0 का 0, 1 का 1, माइनस 1 का 1, माइनस 3 का 9 और माइनस 2 का 4। लास्ट हमें करना है dx इंटू dy, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 5 15, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 0 0, माइनस 1, माइनस 2 माइनस 1, प्लस 2 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस अगेन, 3 इंटू 3 9, अगेन माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू 2 8। अब हमें इन सभी का फाइनल टोटल कर लेना है और उसको इस फॉर्मूले में जमा करना है। आप इनको आराम से कैलकुलेट कर लें, मैंने कर लिया है तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखिए ये जीरो आएगा, ये आप कैलकुलेट करोगे तो 9 आएगा, dx स्क्वायर जब कैलकुलेट करोगे 60 आएगा, dy स्क्वायर आएगा 69 और लास्ट ये 57 बनेगा। अब जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है तो मैं यहाँ वैल्यू रख रहा हूँ। देखिए r क्या बनने वाला है, r आ जाएगा n, n अगेन 9 है, 9 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो 9 इंटू सिग्मा dx dy लास्ट 57 माइनस सिग्मा dx विच इज 0, सिग्मा dy विच इज 9 डिवाइडेड बाय n मीन्स 9, सिग्मा dx स्क्वायर 60 माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर, तो 0 का होल स्क्वायर। सेम ऐसे ही n मीन्स 9, सिग्मा dy स्क्वायर मीन्स 69 माइनस सिग्मा dy होल स्क्वायर, सिग्मा dy इज 9, 9 होल स्क्वायर। अब जरा इसको कैलकुलेट कर लो, ये स्क्वायर है पार्ट 2 है, इसको कैलकुलेट करेंगे देखिए कितना आएगा, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 513 आएगा जो कि पहले भी आया था, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 540 बन रहा है अगेन, और ये भी 540 बन रहा है। तो जब आप इसको करोगे फाइनल कैलकुलेट, दोनों से रूट हट जाएगा, पिछली बार भी करी थी सेम कैलकुलेशन हमने, जो कि प्लस का 0.95 आंसर आ रहा है, एकदम सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस मेथड से कर रहे हो, डायरेक्ट मेथड से कर रहे हो कि शॉर्टकट मेथड से कर रहे हो, आंसर हमेशा सेम आएगा हर बार। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि किस केस में आपको डायरेक्ट मेथड लगाना है, किस केस में आपको
शॉर्टकट मेथड लगाना है। डायरेक्ट मेथड तब लगाना है जब आपके पास वैल्यूज थोड़ी छोटी हो, जैसे कि इसमें है, या और छोटी हो, इस तरह की वैल्यूज जिसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, जिनके स्क्वायर्स वगैरह और इनका प्रोडक्ट वगैरह। लेकिन शॉर्टकट मेथड कब लगाना है, जब आपके पास वैल्यूज थोड़ी सी बड़ी आ जाए, जिनको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो, तो उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करके डेविएटेड एक्स बना लो, कुछ सब्ट्रैक्ट करके डेविएटेड वाई बना लो, ताकि वो छोटी वैल्यूज हो जाए, फिर उन डीएक्स डीवाई को फॉर्मूले में अप्लाई करो और आंसर निकल जाएगा। अगर उनमें भी डिफरेंस सेम आए तो उस केस में ए को माइनस करके उस डिफरेंस का डिवाइड भी ले लो, वो डीएक्स बन जाएगा नया हमारा, फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो हमने दोनों मेथड डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं दो और एग्जांपल्स लूंगा जिनको इन मेथड से सॉल्व करेंगे हम लोग, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। उसमें से कुछ एक खास एग्जांपल भी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियोस में। थैंक यू।